तो वेलकम दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर, ठीक है, जो कि सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है। आप बोलिएगा किस यूनिवर्सिटी के लिए है। दोस्तों झारखंड की सभी यूनिवर्सिटीज़ और आउट ऑफ झारखंड के भी सभी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जिनके भी सिलेबस में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर है, सभी के काम में देगा। ठीक है, झारखंड के कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ आते हैं एक बार मैं नाम सुना देता हूँ। ठीक है, जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, BBMKU धनबाद, रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, रांची, उसके बाद आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है SKMU दुमका, ठीक है, और भी जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जहाँ पर भी है ये आपका काम देगा। ठीक है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग सेमेस्टर 2 में सभी के लिए सेम सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस पेपर में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है 75 मार्क्स का एग्जाम होता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी पे। जहाँ पे 75 मार्क्स का एग्जाम होगा वहाँ पे पास करने के लिए 30 मार्क्स और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो पास करने के लिए 40 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, समय सभी के लिए सेम रहेगा 3 घंटा। पेपर यह जो होता है OMR पे होता है। ठीक है, OMR सीट दिया जाता है, 4 में से एक ऑप्शन को टिक करना होता है। अब देखिए, यह एक झारखंड के BBMKU में पूछा गया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है और दोस्तों सभी के लिए सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। यह पेपर इंग्लिश में आया था, ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, यहाँ तक कि मैं खुद जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे मेरा हिंदी मीडियम था। अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं, इसमें 50 क्वेश्चन है इस सेट में, लेकिन अभी हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, जिसको दिक्कत होगी वो हिंदी भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें पूरी तरह से मैं हिंदी में ही बात करूंगा यार, क्योंकि मुझे भी सरकारी स्कूल का ही बच्चा हूं तो समझ सकता हूं आपका। जो लोग मैक्सिमम यहाँ के, हम क्या बताएंगे, 90% सरकारी के ही होंगे। तो चलिए जो भी है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ P and Q आर अ स्टेटमेंट द डिटरमाइन द इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, मतलब कि पी और क्यू जो है आपका समान है, ठीक है, तो कथन क्या होगा। तो देखिए, ये जो चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह इसका मतलब होता है इनमें से दोनों, ठीक है, और यहाँ पे है ये, अगर भी रहेगा तो इसका मतलब होता है या, जैसे कि पी या भी, पी और क्यू दोनों, और यहाँ पे उल्टा भी का मतलब होता है ना तो, सॉरी, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, ना तो पी ना ही क्यू, यानी कि पी और क्यू में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ पी एंड क्यू स्टेटमेंट, अगर पी और क्यू कथन है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा। तो दोस्तों जब दोनों कथन है तो हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन बढ़ते बढ़ते आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एग्जामिन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पार्ट ऑफ अ नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कि एक नकारात्मक कथन कौन सा है इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए, नकारात्मक कथन जिसमें आपको गलत चीज पता चले, तो पहला है आपका 5 और 3 8 होता है, ठीक, और यहाँ पे ये 9 है, और ये जो चिन्ह दिया गया है ये वाला, ये होता है जिस मुख उसी ओर किया जाता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो 5 और 3 8 है ना, ये मुख इधर होना चाहिए 9 की ओर, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो तब ये कथन सही होता, लेकिन यहाँ पे कथन गलत दिया है। क्यों? क्योंकि यह मुँह जो है ये 8 की ओर कर दिया है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मुँह तो 8 की ओर कर दिया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर क्यों नहीं होगा, तो बी बोला गया है कि इच स्क्वायर इज रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत के बराबर होता है, ये वर्ग है और ये एक आयत के भी बराबर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सी नंबर है। तो चलिए, जहाँ आंसर आ गया तो अब क्या हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन, सॉरी, कौन सा वाक्य एक कथन है। तो कथन उसको कहेंगे जो हमेशा सत्य होता है। किसको कहेंगे? जो हमेशा सत्य होता है। जैसे कि त्रिभुज के 3 कौन होते हैं, एकदम सत्य है। ठीक है, मनुष्य मरणशील है, एकदम सत्य है, जिसमें क्वेश्चन ना हो, ठीक है, ना ही राय हो, उसको कथन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ की इच स्क्वायर इज अ ट्रेंगल, नहीं यार, प्रत्येक वर्ग क्या एक त्रिभुज होता है, गलत है, एकदम गलत है, तो ये तो नहीं होगा।
अगला है डोर क्लोज, दरवाज़ा बंद करो, ये क्या बात हुई, ठीक है, ये कोई कथन भी नहीं है। सी नंबर है गॉड ब्लेस यू, तो हम लोग ये बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक कथन है। दो तीन क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग खराब करेगा, अब आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन 1+2+3……… दोस्तों पूछा गया है कि 1+2+3 को अगर हम n तक जोड़ें तो फॉर्मूला क्या है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका n into n plus 1 by 2 होता है, ये वाला ऑप्शन सी होगा, सी नंबर, ठीक है। बी नंबर गलत वहाँ पर टिक लगाया गया है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कैसे, अगर हम लोग बोलेंगे n into n plus 1 का योग पूछा गया ना, हाँ ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल दिए प्रथम पांच संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम पांच संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, तो ऐसा जोड़िएगा आप 1+2+3+4+5, ये जोड़िएगा कितना आएगा, तो आप जोड़ के देख लीजिए आपका आएगा 15, कितना आएगा 5, और ये 4 और 5 और 5 15। अब इसको एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप इसको बैठाइए इसमें n into n plus 1, ठीक, तो इसमें कीजिए तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 5, टोटल कितना था प्रथम n संख्याओं का योग, n कितना था आपका 5 था, अंतिम संख्या 5 थी, तो हम लोग करेंगे 5 into 5+1, n into n plus 1 मतलब कि n plus 1 मतलब 5 और 1 6 / 2, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा ये 3 से, कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, डायरेक्टली आ गया, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला पूछा गया था, तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा n into n plus 1 by 2, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1+3+5, पूछा गया है दोस्तों कि 1+3+5, देखिए ये तीनों जो है विषम संख्या है, ठीक है, तो प्रथम कोई भी है एन विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इसका फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n2। जैसे मैं बोल दूं कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, तो 4 को विषम संख्या क्या हो जाएगा 1+3+5+7, ये 4 को हो गया, जोड़ लीजिए कितना होता है 7 × 3 = 10, 5 × 1 = 16 हो गया। अब डायरेक्टली अगर हम इसमें प्रथम कितना बोले थे 4 विषम संख्या, तो 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है n2, ठीक है, मतलब जो संख्या है उसका स्क्वायर, तो 4 × 4 = 16 डायरेक्टली आ गया, उतने जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला पूछा है, सब कुछ आपको नोट करके जाना है। अगला है आपका इफ ए इज इक्वल टू 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू देन, दोस्तों ये मुझे नहीं आता है, ठीक है, तो इसको स्किप कर देता हूँ, एक दो क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे भी नहीं आता है। 7 नंबर क्वेश्चन है द टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्यूब इज 96 cm² द वैल्यू ऑफ द क्यूब, मतलब कि एक आपका क्यूब है, क्यूब मतलब समझते हैं, एक क्यूब है, एक घन है, ठीक है, और पूछा गया है कि एक घन है और घन का यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल कितना है 6 a² और क्षेत्रफल यहाँ पे दे दिया है घन का 96, फॉर्मूला लगाइए 6a² 96 रखिए इधर, देखिए 6 से कट जाएगा आपका 96 16 6 96, ठीक है 16 आ गया, और ये स्क्वायर इधर है a² इधर आएगा तो रूट हो जाएगा √16, तो √16 का 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है, और फिर पूछा है कि यहाँ पे तो इसका आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन होता है कितना होता है a क्यूब, फॉर्मूला है a क्यूब, मतलब कि जो इसका भुजा आता है उसका 3 बार गुना, यानी कि 4 × 4 × 4 मतलब कि 4 का क्यूब मतलब 64, ठीक है, 4 × 4 × 4 कीजिएगा तो 4 × 16 16 × 64 ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, ठीक है, और यहाँ पे देन इट्स वॉल्यूम विल बी, तो गोले का रेडियस ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर मीन्स होता है गोला, क्या होता है गोला, एक गोले का आयतन यहाँ पे आपको पूछा गया है जिसकी त्रिज्या जो है कितनी है, त्रिज्या दिया गया है 2r, तो गोले का आयतन होता है कितना होता है 4/3 πr³, गोले का आयतन होता है, ठीक है 4/3 πr³, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए, गोले का आयतन 4/3 πr³ और r का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 2r, ठीक है ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे 2r दिया गया है, बस r के जगह पे ये रख दीजिए 2r, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/3 πr³,
और कीजिएगा तो देखिए ये दो है तो दो का क्यूब कितना हो जाएगा आठ, आठ हो जाएगा और ये आठ चौका बत्तीस गुना हो जाएगा। ठीक है, आपस में ये सभी गुना हैं तो आठ चौका बत्तीस हो जाएगा, बत्तीस पाई आर क्यूब बट्टा तीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप में से जितने भी लोग मैथ जो है क्लास टेंथ के बाद छोड़ दिए थे, आर्ट्स में आ गए थे, और उनके लिए डेफिनेटली दिक्कत होगा, जो लोग इंग्लिश पढ़ने नहीं जानते उनके लिए भी दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूरा का पूरा इंग्लिश में, तो आप लोग एग्जामिनर को बोलिएगा कि सर प्लीज़ यार, हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी कीजिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के एंड में हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को आपको देखना होगा। नाइन नंबर है अ कौन, कौन मतलब होता है शंकु, एक कौन है जिसकी जो है 8.4 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, एच कितना दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स बेस और इसके आधार का व्यास दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया है द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो गोले का यहाँ पे जिसको एक गोला बनाया जाता है, पिघला कर एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे शंकु का आयतन निकाल लीजिए और इसका फिर गोले का आयतन निकाल दीजिएगा, आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे 2.1। ठीक है, 2.1 इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं अटता इसलिए मैंने नहीं सॉल्व किया है। आगे देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है इन अ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब होता है बेलन। ठीक है, एक बेलन की रेडियस मतलब त्रिज्या जो है यहाँ पे दोगुनी कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट को जो है आधी कर दी जाती है। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा यह पूछा गया है। ठीक है, इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, ठीक, कर्व सरफेस एरिया विल बी, तो दोस्तों उसका जो है एरिया में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, वही रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 250 mm बराबर कितना लीटर, तो दोस्तों 250 mm बराबर होता है 0.00025 L लीटर। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि 8000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 8000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, चूंकि एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसलिए यहाँ पे सॉरी 80000 मीटर है, मतलब कि 80 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 80000 मीटर है, तो यहाँ पे इसका मतलब तो एक हो गया, मीटर आ गया, एक मीटर गुने 80 बराबर 80 किलोमीटर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो पूछा है कि 12.856 केजी को ग्राम में बदलना है, इज इक्वल टू कितना ग्राम, तो यहाँ पे तीन गो के बाद पॉइंट को इधर लेते जाइए, तीन गो, एक दो तीन, क्योंकि 1000 से गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका 12,856 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 4/5 ऑफ प्राइस मीन्स, तो 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, सॉरी 4/4/5 ऑफ प्राइस मीन्स वही है, तो 4/5 को जब भी आपको संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से गुना कीजिएगा, 4/5 गुना 105, ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये 20 आएगा और 20 को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 80 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 12.5% कितना होगा 500 का, तो 500 का 12.5% हो जाएगा आपका 62.50%। ठीक है, प्रतिशत निकालने नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा, देखिए मैं बता देता हूँ 500 है, एगो शॉर्ट तरीका बताता हूँ, एगो पॉइंट लगाइएगा ना इधर यहाँ पे तो ये हो गया आपका 10%, दूसरा पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1%, मतलब कि इसका 10% कितना हो जाएगा 50। ठीक, 1% कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो 1% बराबर होता है 5, तो 12.5 गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12.5 और यहाँ पे 0.5 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है यहाँ पे आपका द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, एक जगह की जो है जनसंख्या कितनी है 7680 से बढ़कर 8064 हो जाता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो दोस्तों इसका 5% बढ़ता है। ठीक है, 5% बढ़ता है, निकाल के मैंने सॉल्व कर दिया, देख लीजिएगा। अगला है व्हाट विल बी 12% ऑफ 1000, तो 1000 का 12% कितना होगा, अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे 1000 है तो इसका 10% कितना होगा, एक पॉइंट लगाएंगे यानी कि 110% हो जाएगा और एक पॉइंट लगाएंगे तो ये 1% हो जाएगा, 1% बराबर यहाँ पे आता है हमारा कितना 10, 12 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन इनकम 25 देन परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑन एक्सपेंसेस, मतलब कि देखिए 100 रुपया आपका आय है, अगर 25 रुपया बचत की जाती है, ठीक है, अपने आय पे 25 रुपया बचत की जाती है तो खर्च पे कितने रुपया, खर्च का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो खर्च का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए 100 रुपया मेरा कमाई है, इसमें हम 25 रुपया बचाते हैं, कितना बचाते हैं 25 रुपया, और हम खर्च कितना करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि 25 रुपया बचाते हैं, तो अब 100 रुपया आय रहेगा, 25 रुपया अगर हम बचाएंगे तो खर्च कितना कर रहे हैं 75 रुपया। अब ये बोल रहा है कि 75 जो है 25 कितना प्रतिशत है, तो देखिए दोस्तों 75 को अगर हम 3 बार ऐसा जोड़ते हैं 25 25 25 25 25, तो ये हमारा 75 आ जाता है, यानी कि 3 बार जोड़ने से 75 आता है, मतलब कि 3 भाग में 1 भाग है, ठीक है, ये सिंपल समझिए, रैंडम बुद्धि है, मतलब कि बिना कोई फॉर्मूला का। तो 33% होता है, क्योंकि 100 को 3 भाग में बांटिएगा तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया है, डी नंबर 33.1/3%, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वुज 12.5% इज 175/1/2 विल बी, ठीक है, तो नंबर ऑफ वुज 12.5% किसका 12.5% जो है 175.1/2 है। तो देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए, आपको जो है ये 12.5% इसको भी काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए, तो यहाँ पे आ जाता है 12% = 175, ठीक है, 12% = 175, तो 100% निकाल दीजिए, 12% होता है हमारा 175, इसको भाग दे दीजिए कितना आएगा, भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक, यहाँ पे 5 बचा तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया, तो 12 24 48 आ गया, ठीक। अब कितना बचा यहाँ पे हमारा 7, तो यहाँ पे 12 25 60 12 6 72 12 25 60 हो जाएगा, और फिर हमारा 10 बचता है, तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिए 14.04 आएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और यहाँ पे आपको दूसरी बुद्धि बता रहा हूँ, ये हो गया। और दूसरा विधि क्या है, 12.5% है हमारा कितना, 12.5% 175.25, जैसे यहाँ पे देखिए 12.5% इतना, तो 25% कितना होगा, 25% का आधा हो जाएगा 12.5, ठीक है, तो इसको हम कर दिए इतना, और इसको जो है इसको भी डबल गुना कर दिए, क्योंकि 12.5 को अगर हम 200 गुना करेंगे तो 25 होगा, इसको भी 200 गुना कर दिए तो 351 हो गया, नीचे में 2 काट दिए, ठीक है, और इसको 4 से गुना कर दिए, क्योंकि 25 जो है 100 का 1/4% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां हमारा पूछा गया है कि 8.1/3, ठीक, 8.1/3 एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, तो 8.1/3 को भिन्न में बदलें, तो यह गुना हो जाएगा, ये 8 3 और 8 का गुना कीजिएगा और 1 को जोड़ दीजिएगा, तो 3 8 24 और 1 25, और 25/3 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, देखिए कहाँ पे है PRT/100, देखिए आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन, आर मतलब रेट यानी कि दर, टी मतलब समय, बट्टा 100, ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अगला है यहाँ पे द इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 4 ईयर एट 5%, ठीक है, पर एनम इज ₹9, सम इज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरेस्ट, एक मिनट यार, 4 साल में जो है 5% की दर से कितना ब्याज होता है, 90 रुपया, ठीक है, 4 साल में 5% की दर से 90 रुपया होता है, यानी कि आपका टोटल 20% है, 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20%, 20% दे दिया हमारा कितना 90, तो इसको अगर 5 से गुना कर दीजिएगा 90 को, तो हमारा निकल के आ जाएगा, तो 9 5 45 यानी कि 450 आ गया हमारा 100%, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1500 का साधारण ब्याज के दर पे, ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों 1 वर्ष में 8% जोड़ रहा है, तो 3 साल में कितना होगा, 8 16 24% निकालना है 1500 का, ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, ये 1500 है, इसका 10% कितना हो जाएगा, एगो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 150, 10% 1% कितना होगा यहाँ पे 15, ठीक है, 115% है, तो 24% निकालना है, तो हमारा 1% कितना है 15, 24% कितना होगा, 24 से भाग दीजिए, सॉरी गुना कीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 360, ठीक है,
24 दाहिए 240 होता है ना, 24 दाहिए 240 ऐसे गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और 24 पच्चे 120, अब जोड़ दीजिए कितना होगा, तो 00 4 2 6 और 1 360, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 300 रुपये 300 आफ्टर 5 ईयर, 300 रुपये 5 साल के बाद 5% की दर से साधारण ब्याज हो जाता है, सॉरी 5% की दर से जो है 5% की दर से 5 साल में 300 रुपया हो जाता है, तो आपको निकालना है कि इसका कितना धन दिया गया था शुरू में, तो PRT/100 करके निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल है कि एक साल में 5% जोड़ता है यानी कि 5 साल में कितना होगा 25%, एक साल में 5 रुपया ब्याज रहता है 5%, तो 5 साल में 25% ले लिया, 25% हमारा दे दिया है 300, इसको 4 से गुना कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100% हमें पहुँचाना होता है, ठीक है, तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन साधारण ब्याज, ठीक है, कितना 450 रुपये 4% की दर से, कितना साल का, ना 2.5 साल का, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल निकालिए आपका, एक साल का कितना दे रहा है 4%, दो साल का कितना हो जाएगा 8%, एक साल का 4%, दो साल का 8%, और आधा साल का कितना होगा 2%, यानी कि 4 × 4 = 8 और 2 = 10%, ठीक है, तो 450 का 10% कितना होगा, मैंने अभी बताया है आपको कि ये को पॉइंट के बाद 0 लगाइएगा तो आपका 10%, मतलब कि 10% पूछ रहा है 45 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है, PRT/100 करके निकाल सकते हैं। चलिए बता ही देता हूँ कि what sum will amount of ₹2832.6%, ठीक, 3 ईयर, तो क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 6% की दर से आपका कितना हो जाता है, देखिए 6% की दर से यहाँ पे आपका दिया गया है, एक मिनट यार, चलिए आप लोग इसको कले करेंगे, और यहाँ पे पूरा का पूरा आपका हिंदी में कर दिया हूँ, मुझे दोस्तों जाना है थोड़ा, ठीक है, नहाया नहीं हूँ सुबह से, इसका पूरा का पूरा हिंदी में भी दे दिया मैंने, और अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है ना कि एक बार में समझ में नहीं आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो अगर जो भी आपके सामने मैथ जानते हों उनसे हेल्प लीजिएगा, अगर आपका कोई दोस्त मैथ में अच्छा खासा स्ट्रांग हो तो, ठीक है, क्योंकि आपको मैथ में जो है टीचर की आवश्यकता होती है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको टीचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, बाकी और किसी सब्जेक्ट में टीचर की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश में ना, सोशियोलॉजी में ना, साइंस, मतलब कि साइंस के सब्जेक्ट में और मैथ के सब्जेक्ट में टीचर की आवश्यकता है, अदरवाइज किसी भी और सब्जेक्ट में टीचर की आवश्यकता नहीं है, विदाउट टीचर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है मैथ डायरेक्टली आपको एक बार में समझ में ना आए, मैथ के लिए बहुत दिमाग को दही बनाना पड़ता है, सही बता रहा हूँ, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगर आपका कोई दोस्त है तो उन तक हेल्प ले लीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बाकी मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। थैंक यू, बाय। इसका PDF लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, धन्यवाद, और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, इसी टाइप से आएंगे, ठीक है, बाय।